अब देखिए दूसरी चीज में प्लूरल में अब थोड़ा सा दूसरा रूप देख लेते हैं प्लूरल का, ठीक है। देखिए जैसे नाइफ, ये क्या है सिंगुलर, के एन आई एफ ई, क्या बन गया नाइफ, जिसमें फा का प्रयोग हो रहा हो सिंगुलर में, ठीक है। और ये क्या है प्लूरल में, नाइफ क्या हो जाएगा, है नाइफ, बोलो वी लग जाएगा इसमें और कोई एस नहीं आएगा, ठीक है नाइफ, ओके समझ आ गया। और बहुत सारे बच्चों को मेरी ये बात सिर्फ एक बात से याद रह गई, नाइफ वाइफ चाकू बीबी, सही ना। तो भैया देखो ऐसा भी है वाइफ, देखो इसमें भी क्या आ रहा है एफ ई आ रहा है ना इसमें भी, तो वाइफ, ठीक है। तो वाइफ यहाँ अगर एक बीबी बहुत सारी बीबियाँ कहने लगेंगे, अरे एक नहीं समझ ली भाई, है ना वाइफ, तो ये करेंगे एक बीबी बहुत सारी बीबियाँ, है ना समझ आ रहा है। तो तुम तो ऐसा समझ लो तुम तो बीबी वाले हो नहीं बच्चों, एक मम्मी बहुत सारी मम्मी, ठीक है ना, इस तरीके समझ लो। खैर तो देखो अब समझ आ रहा है तुम्हें सिंगुलर प्लूरल, थोड़ा सा सिर्फ ये डिफरेंस समझ लो कि नाइफ जहाँ पर एफ आता है लास्ट में वहां पर वी ई लग जाता है, वो बहुत सारे बना देता है जिसमें लास्ट में एफ आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है मैं इसे मिटा दूं, ठीक है। अच्छा कहीं पर ऐसा होता है जैसे जिसके लास्ट में वाई आ रहा होता है, जिसके लास्ट में वाई आ रहा होता है उसमें वाई हटकर आई ई एस का प्रयोग हो जाता है प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सपोज करो जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर ए आर एम वाई, क्या बन गया ये आर्मी, जान दो ना आर्मी टेंशन है ना सोल्जर, तो ठीक है ना। तो अभी हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई को हटाकर आई एस लगाना पड़ेगा, ए आर एम आई एस आर्मी, ठीक है आर्मी, फैमिली फैमिली फैमिली, फैमिली का मतलब क्या होता है परिवार, ठीक है एक परिवार, हम एक घर में बहुत सारे परिवार रहते हैं तो हम फैमिलीज हैं, क्या है हम फैमिलीज, और वाई हटा दो आई, ठीक है समझ में आ गया। कहीं पर हमें एफ हटाकर ई एस वाई ई लगा वी ई लगाना है और कहीं पर वाई हटाकर आई ई एस लगाना है, याद रखोगे इस चीज को, चलो ठीक है मैं आगे पूछाता हूँ। इसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं लगता वो डायरेक्ट उठाए जाते हैं वैसे लिखे जाते हैं, मतलब समझे नहीं, जैसे मतलब बॉय एक लड़का वहां पर भी क्या लिखा जाएगा बॉय बॉय, मगर यहाँ बॉय की कहानी नहीं है, यहाँ पर बात दूसरी है, ठीक है। कुछ शब्द ऐसे हैं ऐसे एम ए एन, क्या है मैन, मैन मीन्स क्या होता है इसका प्लूरल, बहुत सारे आदमी बोलने पड़े तो क्या करोगे एम ई एन मैन, बस ई हटा दो, समझ में आ रहा है, तो वुमेन में भी तो होता है। अरे तो भैया ये वही तो रूप है आदमी और तो मैन, समझ आ गया, एक एग्जांपल समझ लो बस, ज्यादा समझाऊंगा टाइम नहीं है इतना, समझ आ रहा है। चलो आगे समझ लो कि जैसे मान लो फिश मछली, तालाब में मछली बहुत सारी मछलियाँ, क्या लिखोगे बोलो, रॉन्ग, खाली फिश लिखोगे, क्या लिखोगे खाली फिश लिखोगे, ये भी फिश और ये भी फिश, ठीक है आगे बढ़े इसमें। और पब्लिक पी यू एल एल आई टी पब्लिक, तो पब्लिक को क्या लिखोगे बोलो, पब्लिक ही लिखोगे, कहीं भीड़ है तो भाई भीड़ है बहुत सारी पब्लिक है, ठीक है। और ऐसे ही प्यूपल वर्ड आता है, लोग प्यूपल प्यूपल्स नहीं कर सकते लोग बोलोगे, ठीक है ऐसे ही हम जैसे लिख रहा है न्यूज एन ई डब्ल्यू एस, क्या हो गया न्यूज, न्यूज पेपर देखा है किसी ने,